वेलकम बैक टू माई चैनल। देखिए तरुण और वैसे शेद जय माता दी फ्रॉम कटरा एंड नाउ वी आर लीविंग कटरा। इट इज़ मॉर्निंग ऑफ 20th। सो दिस इज़ द होटल वी आर स्टेइंग, दिस इज़ द कार एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर जम्मू। फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू में हम पहले एक टॉपअप करेंगे छोटा सा जलंधर में निकलने से पहले, जो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कटरा आने के वक्त, जो हमें करना चाहिए था। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, हम 688 किलोमीटर आए थे दिल्ली से, ट्रिप 262 ये जो था बेसिकली जलंधर से दिखा रहा था। अब मैं इसको रीसेट करता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, अब ये जाने का वापस पूरा ट्रिप मीटर रहेगा टोटल ट्रिप के साथ। सो प्लीज़ गाइस कंटिन्यू वॉचिंग एंड आप देख सकते हैं मौसम बहुत बढ़िया है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आगे का कंटिन्यू ये है, हम कटरा से निकल चुके हैं और आप रास्ते में देख सकते हैं कि क्या नेचुरल ब्यूटी है, हर तरफ ग्रीनरी है और ग्रीनरी के साथ साथ आप देख सकते हैं हाईवे बहुत अच्छा बना रखा है, रोड्स बहुत अच्छी बना रखी हैं और मतलब इतनी नेचुरल ब्यूटी है आपको, मतलब अब एसी वाली बात फिर वही आएगी, अभी भी इतनी ठंडक है कि ज़रूरत ही नहीं है एसी की, मतलब अभी भी उनको ठंड लग रही है इसमें, हल्की मिस्ट इतनी है और मौसम बहुत अच्छा है। और अगर मैं शुरुआत की बात करूं, क्योंकि डाउनहिल है, उस दिन हम अप्रैल आए थे तो गाड़ी जब हमने स्टार्ट करी है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 900% पे 138 किलोमीटर दिखा रहा था। उसका रीज़न था एकदम प्रॉपर अपहिल जो था, जो गाड़ी ने कंज्यूम करा और बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी उस टाइम, तो 2% पे हम आए थे। अभी 99% पे 157 हो चुका है क्योंकि गाड़ी रीजन भी ले रही है बीच बीच में, और रीजन तो नहीं, बेसिकली रोल ओवर लेके कंप्यूटर रीअसेस कर रहा है इसको। और मैं एक और बात बताऊं तो अभी हम 7 किलोमीटर चल चुके हैं कटरा से, 67 किलो वॉट आवर्स दिखा रहा है, जिसमें मैक्सिमम मैंने ब्रेक मारी है काइंड ऑफ। सो गाइस थोड़ी अपडेट और एक और दूँ, हम लोग कहते हैं जम्मू फास्ट चार्जर तो नहीं, स्लो चार्जर था वहाँ पे एज पर द ऐप, टाटा पावर ऐप, बट हमें वो मिला नहीं तो मजबूरी में हमें फिर फाइनली वहाँ से निकल के जलंधर के लिए आगे निकलना पड़ा। और हम वहाँ से 146 किलोमीटर चल के आ चुके हैं टोटल कटरा से, अगर मैं बताऊँ 94 किलो वाट आवर्स पे, और हमें विदाउट एसी जाना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अभी मौसम तो ठीक ही है, खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें रेंज निकालने के लिए विदाउट एसी ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ज़्यादा ना। और जैसे आप देख सकते हैं कि हम जम्मू क्रॉस कर चुके हैं, हम आई थिंक पठानकोट और जलंधर के कहीं बीच में, और यहाँ से जलंधर का फास्ट चार्जर जो है, जो कि यहाँ के पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है, वो है करीबन 110 किलोमीटर और बैटरी है 55%, 141 किलोमीटर्स दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि बैटरी की रेंज ऑटोमेटिकली अप डाउन जाती है डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड एवरीथिंग, मैं 60 और 70 की स्पीड और अप्रॉक्स मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि हाईवे है और यहाँ की स्पीड अराउंड 80-70 के आसपास ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं क्या होता है आगे, आई विल अपडेट यू ऑन जलंधर। सो गाइज अभी हम नियर अबाउट जलंधर पहुंचने वाले हैं, जलंधर का जो फास्ट चार्जर है इंडियन ऑयल पे पेट्रोल पंप पे, जहां हमने लास्ट टाइम फास्ट चार्ज करा था और अभी आप रोड देख सकते हैं नेशनल हाईवे 44 जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत बढ़िया बना हुआ है। कुछ डाइवर्जन हैं, कुछ जगह पे ऑल्ट्रेशन हैं, सिटीज आती है तो वो दिक्कत तो होती होती है, लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया है। रेंज की बात बता दूँ, 31% बैटरी है, 79 किलोमीटर्स दिखा रहा है, और मैं अभी कटरा से 213 किलोमीटर चल चुका हूँ, मतलब 214 किलोमीटर, 97 किलो वाट आवर्स में। एवरेज स्पीड मेरी 60-70 की है, क्योंकि कई जगह 60 लिमिट है और कई जगह 70 लिमिट है, तो मैं आपको पहले बता दूँ। और हमें अप्रॉक्स 47-50 किलोमीटर जाना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम पहुँच जाएंगे, फिर वो आगे अपडेट में आपको आगे जाकर देता हूँ और पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली इशू हुआ क्या, बाकी वादियाँ तो खैर कहने के बाद ही है। हेलो गाइस, बस एक मौसम का अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया, अगर आप देख सकते हैं काइंड ऑफ बारिश वाला मौसम है, हवा चल रही है अच्छी खासी और ठंडा मौसम है। अभी करीबन हमें 29 किलोमीटर रोड जाना है, विद इन हाफ एन आवर हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। 60 किलोमीटर का मेरे पास दिखा रहा है ओडोमीटर पे, 24% बैटरी पे, और ओवरऑल अभी तक सही चल रहा है, बाकी यू कैन एंजॉय द व्यू। सो गाइस हम जलंधर पहुंच चुके थे काफ़ी देर पहले, हमने खाना वाना खा लिया था यहाँ पे, लेकिन दिक्कत क्या है, हम 262 किलोमीटर चल के आए हैं कटरा से 100 किलोवाट आवर्स पे, टोटल ट्रिप अभी तक दिल्ली टू कटरा एंड बैक अभी तक जो हम कर चुके हैं 950 किलोमीटर कर चुके हैं,
और यहाँ से जो नेक्स्ट शोरूम है टाटा का वो 69 किलोमीटर्स का है। 62% गाड़ी चार्ज हुई थी, 164 किलो किलोमीटर्स दिखा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि टाटा का जो फास्ट चार्जर है, जो कि डीसी फास्ट चार्जर है ये वाला, फिर से वही इशू है कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। और टाटा से अगर कोई देख रहा हो तो मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि कम से कम बैकअप जनरेटर ज़रूर लगाएं या बैकअप फैसिलिटी ज़रूर रखें, क्योंकि पेट्रोल पंप ओनर्स मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने तो अपने सोलर पावर प्लांट में इसको ऐड कराने की कोशिश करी थी लेकिन उनके किलो वाट ज़्यादा थे तो उन्होंने कुछ बैकअप नहीं लगाया अभी तक। तो प्लीज़ टाटा, यू नीड टू इम्प्रूव द सर्विसेज विद दिस, प्लीज़, थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक। अभी मैं एक अपडेट दूँ कि मैं अभी NH44 पे हूँ, लुधियाना टाटा डाडा मोटर्स पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ पे पहुँचने में भी थोड़ी देर इसलिए हो गई, एक्चुअल में बीच में डाइवर्जन था जलंधर से, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे आज, तो उन्होंने रोड बंद कर रखी थी। NH44 हाईवे बेसिकली पूरा बंद कर रखा था, तो हमें बेसिकली जलंधर के अंदर कंटोनमेंट एरिया से होते हुए बाहर नेशनल हाईवे में आना पड़ा। और हम फाइनली अब डाटा मोटर्स पहुँच रहे हैं। मैंने 80-90 बेसिकली चलाई है, और आपको मैं बताऊँ तो मैं 119 किलोवाट पे लाया हूँ, 70 किलोमीटर हो चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे लाया हूँ। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं लुधियाना डाटा मोटर्स। मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी अभी चार्ज हो रही है, अराउंड 74% हो चुकी है, 75% हो चुकी है, 205 किलोमीटर दिखा रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये HP का पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में ही ये रोड कटती है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं टाटा का डाटा मोटर्स होता है। यहाँ पे ये DC का फास्ट चार्जर लगा हुआ है टाटा का, ये ऐप अवेलेबल है। तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन है लुधियाना के अंदर अगर आप बेसिकली ऑफ करना चाहो, एक तो ये वाला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है MG का शोरूम लुधियाना के अंदर। तो बेसिकली आपके पास दो हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, अगर आप कवर करना चाहो कर सकते हो। बाकी गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। हम कटरा से बेसिकली डायरेक्ट जलंधर आए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ लाइट चली गई तो हमें बेसिकली 62% पे निकलना पड़ा, और उसके बाद डाइवर्जन जो मिला वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन खैर, मैं आपको एक बार चार्जिंग दिखा देता हूँ, गाड़ी की चार्जिंग हो रही है, हम देख सकते हैं। ये है DC फास्ट चार्जर 25 किलो वॉट्स का टाटा का। सो गाइस, अगर आप कभी इस साइड आएँ तो 101% इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा करनाल, वहाँ पे स्टैटिक का चार्जर है एक, जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे रेस्टोरेंट्स के साथ में, जो वहाँ से 190 किलोमीटर है अप्रॉक्स। सो आपको मैं अपडेट दूंगा उसके बाद आगे। और बेसिकली जलंधर से हम यहाँ चल के आए हैं, अराउंड 75 किलोमीटर, वैसे तो 70 किलोमीटर है, 75-78 किलोमीटर चल के आए हैं, बट क्योंकि डाइवर्जन थे इतने फार्मर्स प्रोटेस्ट के चक्कर में, तो इस वजह से फिर हम इतने किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हैं। सो नेक्स्ट अपडेट करना। सो गाइस, फाइनली मैं बताऊँ, मैं टाटा डाटा मोटर्स पे चार्ज कर रहा था, लेकिन एंड ऑफ डे वहाँ लाइट चली गई, सेम इशू, तो मैं यहाँ MG पे टॉप अप करने आ गया, क्योंकि रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं टोटल बता देता हूँ, ये जलंधर टू बीच में जो टॉप अप हुआ था वो है, अब इसको रीसेट कर रहा हूँ। यहाँ से हम सीधा करनाल जाएंगे, और करनाल से सीधा दिल्ली, 100% पे 270 किलोमीटर है, और अब आपको मिलता हूँ मैं करनाल। गाइस, शाम का टाइम है करीबन 7:20 का, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हम MG लुधियाना से चल चुके हैं करीबन 71 किलोमीटर, 129 किलोवाट पे। हमने भी AC स्टार्ट करा था, उसके बाद मौसम इतना अच्छा हो गया कि हमें AC चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सोचा था ये स्ट्रेस पूरा AC पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप खुद मौसम देख सकते हैं, मौसम बहुत ही ऑसम है, ड्राइव बहुत अच्छी है। और नेक्सॉन EV का एक और सबसे बढ़िया पॉइंट, या टाटा की गाड़ियों का सबसे बढ़िया पॉइंट, उसका हारमन का म्यूज़िक सिस्टम है, वो भी हम साथ साथ सुनते आ रहे हैं। ऑब्वियसली मैं इस पर नहीं सुना सकता, क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा मुझे, बट आई लव यू ड्राइव। चार्जिंग कर रहा हूँ, मैंने 29 पर बैटरी लगाई थी, और अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टैटिक का ही फास्ट चार्जर है, DC फास्ट चार्जर। अगर आप देख पाए
95% बैटरी हो चुकी है करीबन करीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। यहाँ पे स्टार्टिंग ने एक बहुत बढ़िया चीज़ कर रखी है, अगर पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक स्लो चार्जर है, एक एसी नॉर्मल चार्जर, मतलब 2 DC फास्ट चार्जर्स हैं, और टैगोर वाला चार्जर भी लगाया हुआ है, बेसिकली जो पुराना वाला चार्जर चलता था। तो गाड़ी बस 100% चार्ज होने वाली है और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा दिल्ली के लिए फाइनली, और ये ट्रिप यहीं एंड होगी। और मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रिप बहुत मतलब लोगों को मिक्स टाइप बैग लगेगी जो मुझे अभी तक रिव्यूज़ मिल रहे हैं। और ये भी है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स भी हैं और वो सब कुछ है, बेसिकली काइंड ऑफ मॉल है ये, एक वैली प्रॉपर्टी है यहाँ पे साइड। अभी ये पार्किंग है, इसके साथ में ही रास्ता है पूरा, अगर आप देखेंगे ये बेसिकली ये चल रहा है नेशनल हाईवे 44 और इससे आप कटले के अंदर आ सकते हैं और यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ द समरी, फाइनल समरी। बेसिकली मैं कल रात को 42% पे आया था 98 किलोमीटर्स पे, अभी 97 दिखा रहा है। मैं ये अगले दिन की मॉर्निंग है एक्चुअल में, मैं रात को बहुत लेट हो गया था एक्चुअल में, ट्रैफिक बहुत था दिल्ली एंटर करते हुए। तो अराउंड 1384.8 किलोमीटर्स मैं चल के आया हूँ वापस टोटल दिल्ली कटरा एंड बैक, अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर्स 108 किलोवाट पे। और ये कल की ट्रिप थी करनाल से यहाँ तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्जन बनाए हुए थे, तो हम एक्सप्रेस वे से आए थे, बेसिकली ईस्टर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से 108 किलोवाट आवर पे। और गाड़ी ने बहुत इश्यूज दिए हैं बेसिकली लास्ट लेग में, और वो शायद फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको एक बार उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा कॉस्ट की और बाकी सारी चीज़ों की। बाकी ओवरऑल गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और मैं पूरा अपडेट दूंगा इस चीज़ के बारे में। सो थैंक यू गाइज, इन केस यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ काइंड लाइक एंड सब्सक्राइब।